यशायाह अध्याय 10। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। हाय उन पर जो अनर्थ न्याय करते हैं और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे और विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना कर ले। सो तुम दंड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? और तुम अपने विभव को कहां रख छोड़ोगे? वे केवल बंधुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। अश्शूर पर हाय हाय, वह मेरे क्रोध का लट है और जो उसके हाथ में सोटा है वह मेरा क्रोध है। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विषय में उसको आज्ञा दूंगा कि वह छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मनसा न होगी और उसके मन में ऐसा विचार न होगा, क्योंकि उसके मन में यही होगा कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालू। वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो कर्कमिश के समान नहीं है? क्या हमाद अरपद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़िया थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या मैं उसी प्रकार यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी न करूं? इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। उसने तो कहा है कि अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हो गया हूं। इसलिए मैंने देश देश के सिवानों को हटा दिया और उसने रखे हुए धन को लूट लिया और वीर की नाई गद्दी पर विराजमानों को उतार दिया है और देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसले की नाई मेरे हाथ आई। और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है और कोई पंख फड़फड़ाने व चोंच खोलने व चीची करने वाला न रहा। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डिग मारे व आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई करे? क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए व छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्टपुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग किसी जलन होगी और इसराइल की ज्योति जो आग ठहरेगी और इसराइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा और वह उसके झाड़ झंझार को एक ही दिन में भस्म करेगी और उसमें से उसके वन और फलदायी बारी की शोभा पूरी रीति से नाश होगी और रोगी के क्षीण हो जाने पर जैसी दशा होती है वैसे ही उसकी होगी और उस वन के इतने थोड़े वृक्ष बच जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख ले। उस समय इसराइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे। यहोवा जो इसराइल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इसराइल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हो तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे ही लोग लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देना ठाना है। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे
वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र की नाई तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था और जैसा उसने मिस्रियों की और समुद्र पर लाठी बढ़ाई वैसा ही उसकी भी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वह अय्यात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमाश में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा थरथरा उठा है, शाऊल का गिबा भाग निकला है। हे गल्लीम की बेटी चिल्ला, हे लैश के लोगों कान लगाओ। हाय बेचारा अनातोत मदमेना मारा मारा फिरता है। गेबीम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वह नोप के में टिकेगा, तब वह सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा और ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं सो नीचे किए जाएंगे। वह घने बन को लोहे से काट डालेगा और लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा।